यहाँ से पानी आ रहा था, ये जम गया, ये भी जम गया यहाँ से जो पानी आ रहा था। देख रहे पूरी ये स्नो है, मतलब ये कुछ और नहीं है, स्नो है। ये ट्रैक है स्नो में जो दिखता है, स्नोफॉल का लेवल देख रहे हो, ये रेलिंग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चोपटा। तो रात का माहौल ऐसा था, टेम्परेचर था रात को -9, सुबह 4 बजे भी इट वॉज -4। बहुत बुरा हाल था, नींद ढंग से आ ही नहीं पाई क्योंकि इतना बुरा हाल हो रहा था नींद का, क्योंकि ठंड इतनी लग रही थी, बेड बिल्कुल ठंडा हुआ पड़ा था, तो ढंग से नींद भी पूरी नहीं हुई है। सुबह 6 बजे आग खुल गई और उसके बाद अब पानी चाहिए, तो पानी की हालत दिखाता हूँ आपको क्या हो रही है, क्योंकि पानी टैप्स में तो आ नहीं रहा है, उन्होंने बाल्टी रखी है, बाल्टी से पानी निकालना है टंकी में से, और टंकी की हालत देखो क्या हो रही है, जमा पड़ा है तो बिल्कुल जमा पड़ा है भाई, और अच्छी खासी इतनी मोटी लेयर है पानी की बर्फ की, कहाँ से करेंगे भाई पानी का जुगाड़। यहाँ से पानी आ रहा था, ये जम गया, ये भी जम गया यहाँ से जो पानी आ रहा था। इतनी ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है, ऊपर पूरा जम चुका है जो पानी है, थोड़ा बहुत पड़ा था, बुरा हाल पानी का। दिस इज हाउ मॉर्निंग लुक्स लाइक इन चोपटा। दूर पहाड़ों पे धूप आ गई है, दूर पहाड़ों पे धूप आ गई है, यहाँ पे अब ट्राई करते हैं कब तक आएगी, अकॉर्डिंगली ट्रैक स्टार्ट किया जाएगा। अभी बजे हैं सुबह के 7 और यहाँ पे दुकानें वगैरह खुलनी स्टार्ट हो गई हैं, तो अगर आप आते हो तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लेट तक दुकानें खुलती हैं, कुछ है आराम से शॉप्स जो हैं खुलनी स्टार्ट हो जाती हैं 7:15 बजे। हम थोड़ा सा तैयार होके नीचे आ गए हैं, गाड़ी में बैठे हैं, थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करने की ट्राई करते हैं, नॉर्मल करने के बाद कुछ खाएंगे पिएंगे, चाय वाय पिएंगे और उसके बाद ट्रैक स्टार्ट करेंगे। टाइम हो रहा है 9 बजे, सुबह के 9 बज चुके हैं और रात को जो टेम्परेचर था वो था -9। हमने आके गाड़ी स्टार्ट की, पहले सेल्फ में गाड़ी एकदम ऐसे जकाट से स्टार्ट हुई है ना, मज़े आ गए। मतलब मेरे को 3-4 लोगों ने बोला कि गाड़ी स्टार्ट कर लो, यहाँ पे आने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती नहीं क्योंकि बहुत टेम्परेचर डाउन जाता है, डीजल की गाड़ी है तो वैसे बहुत टाइम लगेगा स्टार्ट होने में उसको। बट अगेन दिस कार इम्प्रेस्ड मी, पहली सेल्फ में एकदम खचाक से स्टार्ट हुई है। और अभी का अगर टेम्परेचर दिखाऊँ आपको, टायर में दिखा रहा है, इसमें टेम्परेचर दिखा रहा है -2 अभी बाहर का, मतलब एसी का भी ये हाल हो रहा है, एसी का ऐसा हाल हो रहा है कि अगर उसको ऑन किया है ना, हीटर बेसिकली ऑन किया है, तो वो भी ठंडी हवाएं फेंक रहा है। कल शाम को भी हम बहुत देर तक गाड़ी में आके बैठ रहे थे, बट कुछ अराउंड 20-25 मिनट के बाद जाके थोड़ी सी हवा गर्म होनी स्टार्ट हुई थी, इतना बुरा हाल है ठंड का। और अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 11 बजे तक अच्छी खासी धूप आ जाती है नीचे ही, तो अगर हम मतलब अभी 9 बजे हैं, 10 बजे तक भी ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल से थोड़ा ही पैच रहेगा जहाँ पे फाइट रहेगी, उसके बाद धूप आ जाएगी, तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए शायद, बाकी पता नहीं, क्योंकि सुबह उठते तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती जाने की, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा, गाड़ी एकदम जमी पड़ी है। अगर आपको दिखाऊँ तो गाड़ी का शीशे देखो, दिख रहे हैं स्नो फ्लेक्स, दिख रहे हैं जैसे देखो ये स्नो फ्लेक्स बने, पूरे स्नो फ्लेक्स हैं प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना स्नो फ्लेक। इसमें जूम करेगा ये देखो, वाह कितना इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है, ऐसे एकदम पूरे स्नो फ्लेक्स बने हुए हैं, एकदम परफेक्ट वाले स्नो फ्लेक्स जो होते हैं ना, बने हुए पूरे जमे हुए हैं गाड़ी पे, ऐसे पूरे गाड़ी के ऊपर भी हैं और गाड़ी के टायर वायर पे भी थोड़ी सी स्नो जमी हुई है, तो देखते हैं मतलब बाहर से और दिखाता हूँ कैसा व्यू है। गाड़ी की हालत देखो, पूरा फ्रॉस्ट है, शीशे पे नहीं जमा बट आगे भी पूरा जमा पड़ा है, पूरा जमा पड़ा आगे भी दिख रहा होगा, पूरी जमी पड़ी है। देख रहे पूरी ये स्नो है, मतलब ये कुछ और नहीं है, स्नो है ये, मिट्टी मिट्टी नहीं है, ये जम गई है, जो थोड़ा बहुत पानी गिरा होगा, ओस गिरी होगी, वो पूरी जम गई है, पूरी जम गई है देखो,
पूरा एकदम ऐसे हाल हुआ पड़ा गाड़ी का। ये हाल हो गया गाड़ी का पूरा, पता नहीं अब क्या क्या चल रहा होगा, पानी कितना जमा है नहीं जमा पता नहीं, देखते हैं। चलो बैठते हैं अंदर थोड़ी देर। ये वाला होम स्टे था, नीलकंठ होम स्टे, ये हमारा होम स्टे था, यहाँ रुके हुए थे हम लोग। यहाँ से अभी ऊपर से आ गए हैं, योगेश अभी आना पेंडिंग है, योगेश अभी आ रहा है नीचे, तो एक बार देखते हैं ये आगे क्या सीन बनता है, कैसे चलते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में, फिर निकलते हैं जी आगे। ये फाइनली हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट ट्रैक, ये रहा जी गेट। हम हालांकि इस गेट से तो बहुत बार आ जा चुके हैं, बट इस गेट से अब स्टार्ट करते हैं जी। ये मंदिर है, यहाँ पे मंदिर का गेट है तुंगना तट, यहाँ से थोड़ा 4 किलोमीटर का ट्रैक है। ये तृतीय केदार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो ऐसा कुछ ट्रैक है, शुरू शुरू का ट्रैक थोड़ा सा स्टीप है, बट ठीक है, साइड साइड से आते रहो तो ठीक है। तो ये रास्ता ऐसे देखो, इतना स्टीप है, एकदम कैमरा स्ट्रेट पकड़ा होगा, तो इतना स्टीप है ये रास्ता। यहाँ पे एंट्री होती है, एंट्री करवा रहे हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। ट्रैक जो है थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है, बट रेस्ट कर करके आप इजी चल सकते हो। आप देख सकते हो स्लोप कितना है, और रेस्ट कर करके आराम से चल रहे हैं। फिलहाल शुरू का टफ है सारा ही ऐसा, डोंट नो, बट थोड़ा सा रेस्ट कर करके आपको चलना पड़ेगा। ये ट्रैक देख रहे हो, इसमें जगह जगह बीच बीच में ऐसे रेलिंग्स भी लगी हुई हैं, तो प्रॉपर ट्रैक है ये। अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो सिर्फ प्रॉब्लम आ रही है कि नीचे स्लो जो है वो थोड़ी सी स्लिपरी है, दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम, अदरवाइज यहाँ प्रॉपर ट्रैक है। अभी हम ऑलमोस्ट आधा ट्रैक कवर कर चुके हैं, और थोड़ा सा स्लोप है बट ऐसा टफ नहीं है, आराम आराम से चढ़ो। द ओनली प्रॉब्लम अभी जो हो रही है वो सिर्फ हो रही है कि वो स्नो जो है थोड़ी सी स्लिपरी है, अदरवाइज इट इज़ ए डूएबल थिंग। आराम से रेस्ट करते करते चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आयो यहाँ ऐसा व्यू दिखा एकदम। See the view in between. Wow, वो ये रास्ता है तो चल रहा है, अभी मज़ा आ रहा है, पर थोड़ा सा थकान वाला है, पर मज़ा आ रहा है। ये है चंद्रशिला की हिस्ट्री। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे मान लो बीच में ये दिख रहा है कि बहुत हार्ड बर्फ़ है, तो यहाँ पे ना बिल्कुल साइड में चलो, बिल्कुल साइड में क्या है, थोड़ा सा स्नो सॉफ्ट है तो आप इजीली चल सकते हो इसके ऊपर थोड़ा सा, तो क्योंकि कोने में लोग चलते नहीं हैं तो इसलिए वहाँ पे स्नो जो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली सॉफ्ट रहती है, तो इसलिए ऐसे कोने कोने में भी चल सकते हो। जैसे ट्रैक बनाओ, ट्रैक क्योंकि दोनों तरफ पूरी स्नो है, तो जहाँ से आपको कम्फर्टेबल, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत दूर जाओगे तो पता नहीं कितना डीप होगा ये, बट बीच बीच में धीरे धीरे चलते रहोगे थोड़ा थोड़ा साइड पे, सो यू कैन इजीली अचीव। ये ट्रैक है स्नो में जो दिखता है, इतना फैंटास्टिक ट्रैक दिखता है ना, कुछ लोगों ने बीच बीच में रास्ता काट रखा है, पर हम तो ट्रैक को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, अननेसेसरी रिस्क नहीं ले रहे, शांति से चल पा रहे हैं। चल रहे ये है ट्रैक, यहाँ पे आके एकदम स्टीप हो गया, आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे लोग ट्रैक करते हुए, सांस बहुत बुरी तरह चढ़ गया, ट्राई कर रहे हैं चढ़ने की। जैसे आप ऊपर आते जाते हो व्यू उतना ही फैंटास्टिक होता जा रहा है, वाह पता नहीं कहाँ जाना है अभी। यहाँ पे
बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे बैठने की जगह नहीं, रेस्ट करने की जगह नहीं है, सो यू रेयरली गेट अ स्पॉट टू सिट, तो वो एक छोटा सा चैलेंज बनता जा रहा है। तो बीच बीच में ऐसे पेड़ हैं जैसे दिख रहा है, यहाँ पे पेड़ एक गिरा सा हुआ, उसकी चाल पे बैठा हूँ, तो ये एक छोटा सा यहाँ पे चैलेंज है। रेस्ट ऑल इज़ मैनेजेबल, बट हाइट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा स्लोप है, तो देखते हैं एक बार आगे चलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ व्यू, क्या हाइट पे पहुंच गए हैं। सो ट्राइंग सम एडवेंचर, वाओ वाओ, नहीं 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 वाओ, नहीं निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे, नहीं है ना भाई, घूम घूम के जाएंगे हम। कई बार नीचे से आए ये करते हुए, वहाँ कहीं जाना है, वहाँ पे आपको ट्रैक दिख रहा होगा, एक लोग चल रहे हैं, वहाँ पहुँचना है। तो हमारी तो हिम्मत जवाब देगी, मेरी तो मैं तो हो रहा हूँ यहाँ से वापस, क्यों नहीं चला जा रहा, अभी बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया, बहुत स्टीप कंटिन्यूसली, मतलब पैर स्लिप हो रहा है, तो मैं तो नीचे चल रहा हूँ यहाँ से। अब नीचे निकलते हैं, योगेश ऊपर करके आएगा, फिर आगे निकलेंगे जहाँ निकलना है जी। चलो जी वापस चलने की तैयारी करते हैं। ये दिख रहा है ट्रैक, ये है पूरा ट्रैक, तो आप देख लो वहाँ से लेके यहाँ तक मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, और इतनी चढ़ाई हो चुकी है। स्नोफॉल का लेवल देख रहे हो, ये रेलिंग है, लेकिन नॉर्मल ट्रैक जब चलता होगा तो रेलिंग है, पूरी रेलिंग एकदम बर्फ के अंदर घुसी हुई है। मैं फाइनली पहुँच गया नीचे, और अराउंड 1 घंटा लगा, 2 घंटे अराउंड चढ़ने में लगे, 1 घंटा उतरने में लगा, लास्ट तक पहुंच नहीं पाए हम, हमारी हिम्मत जवाब दे गई। बहुत ज़्यादा स्टीप था,